हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल, आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक एक कंप्लीट रिवीजन है। कंप्लीट रिवीजन इन द सेंस कि आपको जब एग्जाम देने जाना है तो कम से कम ये बातें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ कि जब हम डिटेल्ड की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की यूनिट की बात करते हैं, तो लगभग हम इस यूनिट में लगभग आइडिया से 15 आवर्स में करते हैं, 15 घंटे में हम ये यूनिट करते हैं डिटेल्ड कोर्स में जब हम बात करते हैं। लेकिन ये एक रिवीजन है पूरी यूनिट का, हम कोशिश करते हैं जो 1 से 1.5 घंटे में जो मैक्सिमम मुझसे कवर हो पाएगा वो हम करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है बिल्कुल चित्त को शांत करते हुए, और हर कंसेप्ट को समझना है और जो फैक्ट्स हैं उनको याद रखना है। इससे पहले कि हम कंप्लीट रिवीजन को स्टार्ट करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप है swmg, ठीक है। इस पे हम कंप्लीट अभी इस जून सेशन के लिए ईवीएस की 10 की 10 यूनिट्स है, इसमें वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड है, ये 1999 में, ये 1999 रुपए में है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे पेपर 1 भी मिल जाए और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी मिल जाए इस जून के लिए रिविजन सेशन में, तो दोनों पेपर है 2450 2450 रुपए में इसी वेबसाइट पे www.swmg.in या फिर मोबाइल एप्लीकेशन swmg पे। और कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करनी है, यानी कि मुझे दिसंबर के लिए तैयारी करनी है, तो उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 ईवीएस दोनों का जो कॉम्बो पैकेज है वो भी है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं हमारी कंप्लीट यूनिट के बारे में, एक जर्नी को स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली है क्या, है ना। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, ये दोनों चीजें मिल रही है। तो यानी कि इसको हम अगर डिफाइन करें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द सोर्स रिएक्शंस ट्रांसपोर्ट इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीसीज इन वॉटर सॉयल एयर एंड लिविंग इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर। आप बात समझ गए, यानी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम यूं कह सकते हैं, ये किस चीज की स्टडी है, ये बेसिकली जो जो भी मान लो पानी है हमारे पास, सॉइल है, एयर है, या फिर जो लिविंग इन्वायरमेंट है ना, उस पे किस तरह से रिएक्शंस होती है, किस तरह से क्या सोर्स होते हैं, उससे क्या इफेक्ट होते हैं, यानी एक तरह से क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सारी बातें हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करनी है, ठीक है। सारी बातें यानी कि सॉइल के रिलेटेड हमें बात करनी है, वाटर से रिलेटेड हमें बात करनी है, एयर से रिलेटेड जो भी जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, कहां कहां से सोर्स है, यानी कि क्या सोर्स है उनके, वो सारी बातें हमें इसमें करनी है, ठीक है। इसको ये बेसिक बात है, इसको ध्यान रखना। और आप एक चीज को भी जानते हैं, जैसे हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं और उसमें एयर पोल्यूटेंट्स देखते हैं, तो आपको देखा होगा आपने कि एयर पोल्यूटेंट्स कितनी कम मात्रा में हम पीपीएम में बात करते हैं, है ना, कि पार्ट्स पर मिलियन, और कुछ ऐसे भी हैं जो पीपीबी में भी है, यानी कि बहुत कम अमाउंट है वो कितना बड़ा इफेक्ट डाल सकती है, ये हम देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट में बी कंसिस्ट ऑफ लेस देन ए माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, फॉर मेनी वॉटर पॉल्यूटेंट्स 1 पार्ट पर मिलियन बाय वेट, असेंशियली 1 मिलीग्राम पर लीटर इज ए वेरी हाई वैल्यू। हमने देखे हैं बहुत सारे, जैसे हम पानी के कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ही वो जो पॉल्यूटेंट है वो 1 माइक्रो मिलीग्राम पर लीटर है। अगर 1 लीटर में 1 मिलीग्राम भी है तो भी उसके लिए बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है, उससे कम, तो देखो कितना एक सिग्निफिकेंट लेवल है, यानी कहने का मतलब बहुत कम मात्रा में कितना ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। ये जब हम बात करेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे कि किस तरह से कितना स्टैंडर्डाइज किया गया है, और एयर के बारे में भी बात करेंगे हम, तो देखना कि वो बहुत कम मात्रा है कितना इफेक्ट डालती है। और ये जो वैल्यूज है ये हमें याद भी रखनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम एयर की बात करते हैं पहले, फिर वाटर की बात करेंगे ऐसे, फिर सोइल की बात करेंगे ऐसे, हम बात करते रहेंगे। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, आपको सीधा सा एयर एक्ट का ईयर भी याद रखना है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं जब एक्ट को मैच करने के लिए पूछते हैं, तो एयर एक्ट कब आया, 1981। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द एयर एक्ट 1981 द सीपीसीबी हैज नोटिफाइड
फोर्थ वर्जन ऑफ नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन 2009। बेसिकली 2009 के अंदर फोर्थ नोटिफाई किया किसके बारे में, सीपीसीबी ने, NAAQS, क्या है ये, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की है। देखो नेशनल एम्बियंट एयर का क्या मतलब होता है बेसिकली फ्रेंड्स, जो ये नाम लिखा हुआ है ना, एयर तो सब समझते हो आप, लेकिन एम्बियंट एयर का एक तरह से यूं मानो कि जो जिसके कॉन्टेक्ट में हम आते हैं, जो आउटडोर एयर है बेसिकली वो एम्बियंट एयर है। तो उसके बारे में क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में बात की है और 2009 में जो फोर्थ आया था, और उसमें इन पैरामीटर्स को हमें देखना है कि कितना कितना है, इसको अभी ध्यान रखना है आपको। जैसे कुछ नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009 के तहत आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं, कई बार पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर कोई एग्जाम होता है वहां पे भी इससे वैल्यूज पूछी जाती है, नेट के पेपर में भी पूछी जाती है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। जैसे कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर इसकी वैल्यू देखो तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में है, जहां आपकी यूनिट चेंज होगी मैं आपको बता दूंगा, और टाइम वेटेज की बात करो तो एनुअल भी है और 24 आवर्स में भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान कॉन्सेंट्रेट रखना, एकाग्रता रखना, अगर कंसंट्रेशन की बात करें एम्बियंट एयर के अंदर, तो अगर इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल और अदर एरिया, एक तो ये है, और एक है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया गया है, ये है, दो भागों में बांटा गया है। और इधर है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि इस चीज को मेजर करने के लिए पोल्यूटेंट्स को कौन सा मेथड अपनाएंगे, तो ये सारी चीजें, हर एक इसका जो ये चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की बात करें, तो माइक्रोग्राम पर मीटर में कितना होना चाहिए, एनुअल में दिखा गया है इंडस्ट्रियल एरिया में 50 और 24 आवर्स में कितना है, 80 है। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फ एज पर द NAAQS 2009 जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका एनुअली कितना किया है, कितना कंसंट्रेशन एम्बियंट एयर में लिमिट किया है, वो 50 किया है, अगर 24 आवर्स की बात करें तो 80 किया हुआ है, ये है। और अगर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की बात करें तो 20 और 80 है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, पूरी टेबल में दो वैल्यू ऐसी है जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया और इंडस्ट्रियल जो रेजिडेंशियल एरिया है उससे डिफर करती है, एक तो ये 20 वाली वैल्यू है और एक ये 30 वाली वैल्यू है। और जितनी भी टेबल है उसमें पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल वाला और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वाला बिल्कुल सेम है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे अच्छा कि आप दो चीजें अलग है वो याद रख लो, बाकी सारी सेम ही है। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड को हमें मेजर करना है तो क्या मेथड है, वैसे ये है इम्प्रूव्ड वेस्ट एंड गेक मेथड है और अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेंस है। तो ये मेथड्स के नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके सेकंड पेपर में इस तरह से पूछे जाते हैं, फर्स्ट पेपर जो आपका है जहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आती है वहां पे मेथड्स बेसिकली नहीं पूछे जाते, लेकिन सेकंड पेपर में पूछा जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की NO2 की बात करें तो एनुअल 40 है और 24 आवर में 80 है, और थोड़ा सा अगर चेंज है तो देखिए इसमें एनुअल वाली में सेंसिटिव में 30 है, और आप कोई भी चीज देखोगे वो क्या आएगी, सेम आएगी। और आप चीज यहाँ पे एक चीज और देखना फ्रेंड्स, और वो क्या है, जो एनुअल की वैल्यू है वो हमेशा कम रहेगी किससे, 24 आवर से, क्योंकि एवरेज है वो कम आना चाहिए, ये बात है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में मेथड्स की बात करें, जैकब वाला मेथड है ना, और गैस फेज जो केमुलेसेंस है ये मेथड है, इन मेथड्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। और अगर बात करें पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, और पार्टिकुलेट मैटर 10 PM10 की बात करें है ना, तो PM10 का क्या मतलब है, इस तरह से भी आपसे ऑप्शन पूछा गया कि PM10 का मतलब क्या है, PM पार्टिकुलेट मैटर साइज 10 या 10 से ज्यादा है या 10 या 10 से कम है, तो याद रखना साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर है उसको हम PM10 में रखते हैं, है ना, 10 या 10 से कम वाले को, पार्टिकुलेट मैटर को PM10 में रखेंगे। और ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एनुअल और 24 आवर देखो। और अगर सेंसिटिव एरियाज की बात करोगे तो बाकी सब सेम आइए देखना, 60 और 100 आ गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात करें तो 2.5 का मतलब क्या हो गया, 2.5 का मतलब वही है साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर हो गया,
ठीक है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम हो गया वो हो गया, और एनुअल में 40 और 60 है, ये याद रखना है। ये जो पार्टिकुलेट मैटर वाली जो जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है फ्रेंड्स। पीएम 10 का कितना है 60 और 100 है, और पीएम 2.5 का 40 एंड 60 है। और ओजोन की बात करें, अब ओजोन यहाँ पे देखो 8R और 1R है, इस बात को भी ध्यान रखना, इसका 100 और 180 है, और आपको इसके मेथड्स भी ध्यान से याद रखना है। लेड की बात करें, लेड है ना, लेड का है देखो 0.5 से 1 है, याद रखना कितना कम है, क्योंकि आपको पता है लेड बहुत ही खतरनाक है ना, और ये बच्चों के अंदर जो ब्रेन की समस्या न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम कर देता है, तो लेड एक बहुत खतरनाक पोल्यूटेंट है, 0.5 से 1 है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो 8R और 1R है, इसमें 2 और 4 है देखिए, ठीक है। अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की देखोगे तो ये मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में है, ये यूनिट्स भी देखना प्लीज, ठीक है। और अमोनिया है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, एनुअल और 24 आवर में 100 और 400 है। ये अमोनिया अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ये पूछा गया था, अमोनिया की बात पूछी गई थी 24 आवर्स में, तो वो कितना है 400 है। बेंजीन की बात करें, बेंजीन एनुअली है देखिए, और ये 5 है, ठीक है। और बेंजो अल्फा पायरिन की बात करें, है ना, जो पार्टिकुलेट फेज में होता है, उसकी वैल्यू नैनोग्राम में दी हुई है, देखिए कितना कम है नैनोग्राम में, और बीएपी इसका 1 है ओनली। अगर आर्सेनिक की बात करें, वो भी नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में है, वो 6 है। और निकल की बात करें, वो भी नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में, और एनुअल है, वो है 20। तो ये कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी लिमिट्स दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमने बात की कि एनुअल, एनुअल का मतलब क्या है बेसिकली, कि जैसे हमने कहा कि वार्षिकी हमें इतना होना चाहिए एनुअली, तो एनुअल में कितने सैंपल इकट्ठे करोगे, आपको ये पूछ ले कोई। तो अगर एनुअल की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि हर वीक आपको 2 सैंपल इकट्ठे करने हैं, हर वीक कितने सैंपल इकट्ठे करने हैं 2, और पूरे साल में कितने वीक होते हैं आपको पता है 52 वीक होते हैं, ठीक है ना। तो हर वीक में 2 करोगे तो 52 वीक में कितना हो गया 104 सैंपल आप लेने हैं एक साल में। और एक सैंपल से दूसरे सैंपल के बीच, ऐसा नहीं है कि एक आज ले लिया एक कल ले लिया, इस तरह से नहीं है, एक सैंपल और दूसरे सैंपल के बीच कम से कम 24 घंटे का क्या होना चाहिए आपको, क्या है उसमें गैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक नोट है, इसको भी नोट की तरह संभाल के रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी भी। अब अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, तो ड्रिंकिंग वाटर में देखो कुछ मैं वैल्यूज आपको बता देता हूँ, आपको शायद ये स्क्रीन अच्छे से दिख रही है कि नहीं, नहीं पता, आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें पीएच वैल्यू भी पूछ लेते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर की पीएच कितना होना चाहिए, तो इसमें 6.5 से 8.5 है, इस बात को ध्यान रखना, और ये कई बार पूछा गया है पीएच की वैल्यू ड्रिंकिंग वाटर 6.5 से 8.5 है, ठीक है। और टर्बिडिटी की बात करें, टर्बिडिटी की यूनिट क्या है, आपसे ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम टर्बिडिटी मेजर करते हैं ना, जैसे कितना पानी साफ है, गदलाया हुआ सा पानी होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो टर्बिडिटी की जो यूनिट है बेसिकली NTU है, और आपको होमवर्क है कि NTU का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओगे, लेकिन आप ये याद रखना टर्बिडिटी की जो यूनिट है वो NTU में है, और उसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 1 NTU है, और जो अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई अल्टरनेट नहीं है तो परमिसिबल कर दिया गया है 5 तक। और अगर हम टोटल डिजोल्व सॉलिड्स की बात करें, TDS की बात करें मिलीग्राम पर लीटर के अंदर, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 500 है, और आपको जो परमिसिबल लिमिट है अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें द ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी इज डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग वाटर बेस्ड ऑन स्मेल टेस्ट कलर एंड टर्बिडिटी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑर्गेनोलेप्टिक जो क्वालिटी होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली ये किसका रिजल्ट है जो हम वाटर को इवेल्युएट करते हैं, किस बेस पे, स्मेल के, टेस्ट के और कलर के या टर्बिडिटी के बेस पे करते हैं, तो ठीक है। तो इसमें आपको एक तो पीएच वैल्यू याद रखनी है, टर्बिडिटी की यूनिट याद रखनी है, और TDS टोटल डिजोल्व सॉलिड आपको एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसेबल लिमिट दोनों आपको याद रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इधर बात करें आप, इसमें बहुत सारे देखो बेसिकली आपको पता है डाटा है, तो आप सारी चीज अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन थोड़ा याद होना मुश्किल है। एल्यूमिनियम थोड़ा ध्यान रखना 0.03 है,
अगर एक्सेप्टेबल की बात करें और 0.03, और अगर बात करें अल्टरनेट की, परमिसेबल की 0.2 है। और इसमें जो याद रखने वाला है, जो मैं एग्जाम्स में पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ। कैल्शियम आपसे पूछ लें तो 75 है, एक्सेप्टेबल है, और जो परमिसिबल है वो 200 है। और क्लोरोमाइंस की बात करें तो आपको मैं बता दूं, एक्सेप्टेबल 4 है, और इसके अंदर जो परमिसिबल है उसमें किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया है। क्लोराइड की बात करें तो 250 है, 250 है, एक्सेप्टेबल है, और परमिसिबल है 1000। और कॉपर आपसे पूछ लेते हैं, कॉपर की बात करें तो 0.05 mg/L है, और एक्सेप्टेबल तो इतना है, और परमिसेबल कितना है, 1.5 mg/L है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना वैल्यूज। और फ्लोराइड तो आपको पता है बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो फ्लोरोसिस डिजीज हो जाती है। तो इसकी अगर बात करें, एक्सेप्टेबल लिमिट है 1 है, और परमिसेबल लिमिट की बात करें तो 1.5 है, ठीक है। आयरन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आयरन कितना है, तो आयरन का जो लिमिट है वो 0.3 है, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन कई बार डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। और अगर आप बाद में बात करें तो मैग्नीज MN के बारे में याद रखना 0.1 और 0.3 है, ठीक है। और एक जो नाइट्रेट की वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है अगर नाइट्रेट की मात्रा अगर ज्यादा है पानी के अंदर तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर नाइट्रेट की बात करें तो 45 mg/L है, जो एक्सेप्टेबल है, और उसमें जो परमिसेबल है उसमें कोई किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया है, मैक्सिमम 45 की बात की गई है mg/L नाइट्रेट की। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि हम अगर डिटेल की बात करते हैं कोर्स की, तो सिर्फ इस यूनिट की बात करें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, लगभग 15 hours में कराते हैं, और यहाँ मुझे 1 से 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट में रिवाइज करवा रहा हूँ। तो कुछ टाइम की लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक बात हो फ्रेंड्स, आपको सब ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि सब इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, तो मैक्सिमम शेयर करोगे और मैक्सिमम आप लाइक करोगे, और तो क्या है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जो हम काम कर रहे हैं बहुत बेहतर है, और आप सही सही चीजों को, क्योंकि वहीं से हमें पता लगता है। ऑफलाइन होता है तो हम पूछ लेते हैं, ऑनलाइन में तो यही पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात करें, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव की बातों से लेके। तो यहाँ देखना, जो भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं इंक्लूड ऑल एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोबिक ग्राम नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है ना। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया में सारे के सारे जो एरोबिक है, जो यानी कि वाइवीय है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, या फैकल्टेटिव एनएरोबिक है, वो सारे के सारे क्या है, ग्राम नेगेटिव है। नॉन सोर फॉर्मिंग रोड शेप्ड बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस गैस अपन फर्मेंटेशन इन प्रिस्क्राइब कल्चर मीडिया विद इन 48 hours एट 35°C। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में। आपसे पूछा भी गया है कि किस तरह के कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, उसमें कौन से बेसिकली ग्राम पॉजिटिव इंक्लूड करते हैं या ग्राम नेगेटिव। तो उसके अंदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो जितने भी एरोबिक या फैकल्टेटिव एनएरोबिक है, ग्राम नेगेटिव है, वो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली इंक्लूड किया जाता है। जो नॉन शोज फॉर्मिंग होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, और जो फर्मेंटेशन में कल्चर मीडिया में 48 hours एट 35°C पे गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें एक नोट है, इसको भी नोट की तरह संभाल रखे रखना है, कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जिसको हम शॉर्ट में MPN बोलते हैं, और MF यानी कि मेम्ब्रेन फिल्टर, एंड परजेंट सब्सटेंस यानी कि P और A टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट द टोटल कोलिफॉर्म। आपसे पूछ लेते हैं कि अगर हमें टोटल कोलिफॉर्म को डिटेक्ट करना है तो किस तरह से हम करेंगे, किस मेथड से करेंगे। तो हम बोल देते हैं MPN यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर, या फिर हम बोल देते हैं MF यानी कि मेम्ब्रेन फिल्टर, या फिर PA यानी कि प्रेजेंस और अब्सेंस टेस्ट है, वो यूज किए जाते हैं टोटल कोलिफॉर्म को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और अब अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में कुछ बात करें, क्योंकि पिछले हमने बात किया कि कोलिफॉर्म के अंदर हमने ग्राम नेगेटिव की बात करी, तो अब हमें पता होना चाहिए कि क्या बेसिकली डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर मोर ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू द लैक ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन। याद रखना, क्योंकि जो
जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, उसके अंदर लैक ऑफ अन आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, तो ये मोर ससेप्टिबल होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, ठीक है। जबकि सिंस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन इन आउटर मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो उसमें आउटर मेम्ब्रेन होते हैं और दे आर लेस ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स, और वो संवेदनशील कम होते हैं एंटीबायोटिक्स की तरफ, क्योंकि उसमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। देयरफॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर पैथोजेनिक कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो ज्यादा पैथोजेनिक होंगे, ठीक है ना, क्यों होंगे, ज्यादा रोगजनक होंगे, इसका ग्राम पॉजिटिव की वजह से क्या कारण क्या है, क्योंकि उसके बाहर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन होने से जो भी हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो वो मोर ससेप्टिबल नहीं होगा या ज्यादा संवेदनशील नहीं होगा, लेस ससेप्टिबल होगा, यानी कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करेगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, क्योंकि उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन होने की वजह से वो एंटीबायोटिक्स पे ज्यादा संवेदनशील नहीं होगी, इस वजह से वो ज्यादा पैथोजेनिक है ग्राम पॉजिटिव की वजह से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है ध्यान रखना। थोड़ा सा तबीयत लो है, इस बात को थोड़ा सा है ना मैनेज कर लें आप, है ना, ठीक है, धीरे धीरे आराम आराम से कर लेंगे, है ना। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे कुछ मेन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, इज दैट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन ए थिक पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल अलोंग विद टियोकिक एसिड अलाउइंग द बैक्टीरिया टू स्टेन इन पर्पल ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, वेयर इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन ए थिन पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल विद नो टियोकिक एसिड allowing the cell wall to stain in pink during counter staining। आपको पता है हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो स्टेनिंग की बात तो करेंगे ही, है ना। तो यही कहते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर थिक पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होती है, ठीक है ना, और उसमें जो एसिड मिलता है ना, तो ऐसी उसकी वजह से वो पर्पल कलर में स्टेन हो जाते हैं, है ना, जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं। जबकि ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें थिन पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल होती है और वहां पे जो टेकोइक एसिड होता है वो भी नहीं होता है, तो उससे जो सेल वॉल होती है टू स्टेन इन पिंक ड्यूरिंग काउंटर स्टेनिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो पिंक होता है, वो कौन किस कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का होता है बेसिकली। तो लिखा हुआ ना ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच मुख्य अंतर यह है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टेकोइक एसिड के साथ एक मोटी पेप्टिडोग्लाइकन भित्ति होती है, यानी कि सेल वॉल होती है, जो ग्राम धुंधला होने के दौरान बैक्टीरिया को बैंगनी रंग में दागने की अनुमति देता है, यानी कि पर्पल रंग हो जाता है। जबकि ग्राम नकारात्मक यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बिना टेकोइक एसिड वाली जो टिक कोइक एसिड वाली पतली पेप्टिडोग्लाइकिन कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है, काउंटर स्टेनिंग के दौरान सेल की दीवार को गुलाबी रंग यानी कि बेसिकली यहाँ पे पिंक होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कलर भी पूछ लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, वो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स प्लीज, ठीक है। आगे बात करें जो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एल्कलाई मेटल क्या होता है, एल्कलाइन मेटल क्या होता है, इस तरह से। पीरियोडिक टेबल तो आपको याद होनी चाहिए आपसे, क्योंकि ये बेसिक सी बात है, इतना सा थोड़ा दिमाग में मैप है कि ये चीज है, तो आपको सारी बात पता लग जाती है। जैसे एल्कलाई मेटल की बात करें तो आपको पता है लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये एल्कलाई मेटल है, क्योंकि मेटल जो रिएक्ट करती है वाटर के साथ और एल्कलाई एंड हाइड्रोजन बना लेती है बेसिकली, तो वो एल्कलाई मेटल है। जैसे लिथियम सोडियम और पोटेशियम, जैसे लिथियम H2O के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और H2 बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है, तो ये एल्कलाई मेटल है। तो आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि विच आर द एल्कलाई मेटल, तो जो लिथियम सोडियम और पोटेशियम जो वाटर के साथ बेसिकली रिएक्ट करता है। आपने टेबल पीरियोडिक टेबल देखा होगा, एल्केलाइन मेटल की सीरीज रहती है, एल्केलाइन की रहती है, सब आपको पता होना चाहिए। एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो जैसे बी मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब क्या है, ये बेसिकली जो ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल यानी कि इन जो मेटल है एल्केलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो डिजोल्व होते हैं वाटर में, तो वो नेचर में कैसे होते हैं, एल्केलाइन होते हैं इन नेचर। तो ऐसी बात है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेसिकली ये वो पानी के अंदर रिएक्ट, पानी से रिएक्ट करता है, तो देखिए क्या है, एल्केलाइन नेचर में हो गया, ठीक है।
तो ये बेसिकली है एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केलाइन मेटल कौन कौन सी होती है या किस को एल्केलाइन मेटल बोलते हैं, डिफाइन भी करवा सकते हैं, एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, और एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन कौन सी होती है ये भी आपसे पूछ लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखना है और इनका जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर बात करें लेंथेनाइट्स के बारे में बात करें, तो आपको पता है जो 14 एलिमेंट्स हैं, देर आर 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम, है ना। लेंथेनम आपको पता है 57 पे आता है, टू लेटुटियम जो 71 पे आता है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स साल्ट, और ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं। और जो एक्टिनाइट्स हैं वो भी 14 एलिमेंट्स हैं आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनियम आपको पता है 89 पे है, टू लॉरेंशियम जो 103 पे है, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, और ये सारे के सारे प्रकृति में जो एक्टिनाइट्स है वो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है, ये नंबर्स आपको ध्यान रखना है कि कब से और कौन से एलिमेंट से कौन से एलिमेंट तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। मेटेलॉइड्स किसको बोलते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और एग्जाम्पल पूछा गया था कि विच आर मेटेलॉइड्स। तो बात ए केमिकल एलिमेंट दैट फॉर्म ए सिंपल सब्सटेंस हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ टिपिकल मेटल एंड ए टिपिकल नॉन मेटल। बेसिकली ऐसे केमिकल एलिमेंट है जो दैट फॉर्म ए सिंपल सब्सटेंस हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, जिसमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है किस किस की, टिपिकल मेटल की एंड ए टिपिकल नॉन मेटल की। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जर्मेनियम में क्या है, मेटेलॉइड्स है, सिलिकॉन है, बोरोन है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है, ये मेटेलॉइड्स हैं। तो ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि विच आर मेटेलॉइड्स, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेते हैं या फिर परिभाषा पूछ लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बातें आपको नोट करनी है और आपको बेसिकली एक व्हाइट पेज लेके और इसको रिवाइज करें की नोट्स बना के। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करें एक आपको स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या है। तो रेफर टू द क्वांटिटेटिव स्टडी, ये बेसिकली कैसी स्टडी है, क्वांटिटेटिव स्टडी है ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम केमिकल स्टोइकियोमेट्री है वो किसके लिए रेफर करते हैं, इट इज रेफर टू द क्वांटिटेटिव स्टडी, यानी कि उसकी एक तरह से मात्रा की अध्ययन, यानी क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। और अगर इस वर्ड को देखें, स्टोइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्टोइकियन मीनिंग एलिमेंट एंड मटीरियल मीन्स मेजर, बेसिकली एलिमेंट के मेजर के लिए है। जब हम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं और प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसकी क्वांटिटी की स्टडी करते हैं, तो दैट इज केमिकल स्टोइकियोमेट्री, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे डिफाइन करवा सकते हैं, मींस ऑप्शन देके ऑप्शन से चूज करवा सकते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट केमिकल स्टोइकियोमेट्री, ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपको सीधा ये क्वेश्चन पूछ ले कि स्टोइकियोमेट्री हेल्प्स अस, किस चीज में हमें हेल्प करता है, जैसे हमने बात की कि क्वांटिटेटिव मेजर की बात कर रहा है ये, तो अगर इसको थोड़ा सा बना लिया जाए ऑप्शन की तरह तो कैसे बनेगा, स्टोइकोमेट्री हेल्प्स टू अस डिटरमाइन हाउ मच सब्सटेंस इज नीडेड और इज प्रेजेंट थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल इक्वेशन, फॉर्मूला, ये सब चीजों को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें बात क्वांटिटी की पता लग जाएगी कि क्या रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, तो हमें सब चीजें मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल इक्वेशन, फॉर्मूला, जैसे एग्जांपल की बात, यहाँ देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, Fe की बात की गई है 3 और 4 H2O है, और उसके बाद Fe3O4 है और 4 H2 है। तो इसमें देखो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रो दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 3 मोल ऑफ आयरन रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ वाटर टू यील्ड 1 मोल ऑफ Fe3O4 एंड 4 मोल ऑफ H2। तो ये आपको पता लग गया, इससे हमें क्वांटिटी की पता या मात्रा की पता लग गई, तो ये हमारी जो क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है स्टोइकियोमेट्री, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करें। ये गिब्स फ्री एनर्जी आपको पता है, आपने पेपर देखे हैं पुराने, तो आपको पता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसको इक्वेशन की बात करें तो ऐसे बोलते हैं जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, इसको थोड़ा और हम एलोबरेट करके बात करेंगे। यहाँ पे H है एंथैल्पी, एंथैल्पी,
और टी यहाँ है टेम्परेचर, और याद रखना यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, और एस यहाँ पे एंट्रोपी है। और गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है, अगर इसको डिफाइन करें, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी माइनस द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी को अगर हम बात करें तो ऐसे हम कर सकते हैं डेल जी, यानी कि कितना चेंज हुआ है ना, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच, है ना, यानी कि एंथैल्पी में चेंज माइनस डेल, और जो प्रोडक्ट है टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो चेंज है उसको हम माइनस कर देंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी हमें मिल जाएगी। इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर हम बात करें कि जो रिएक्शन है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के अंदर है, यानी कि डेल टी, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, डेल टी अगर हमारे पास जीरो है यानी कि टेम्परेचर में कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो नहीं रहा, टेम्परेचर सेम है, इसलिए हमने डेल टी नहीं लिख के टी लिखा, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। चेंज किस किस में हो रहा है, एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, और किस में है, एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हो रहा है। आपसे यहाँ से इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी कितनी हो तब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और किस में वैल्यू आई तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ये भी हम बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब कुछ नोट की बात करेंगे, इन नोट को नोट की तरह से संभाल के रखना, गिब्स फ्री एनर्जी में हर एक चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो डेल एच इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर अगर बात करें कांस्टेंट प्रेशर, हमारा प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो जो डेल एच है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब यानी कि क्यू के इक्वल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। डेल एच इज नेगेटिव, डेल एच किसके लिए नेगेटिव होगा अगर आपसे पूछे, या डेल एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी की बात है, तो वो कब नेगेटिव होगा, अगर हमारी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर रिएक्शन होने के बाद हमें एनर्जी मिल रही है, बेसिकली उष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि डेल एच इज नेगेटिव फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, विच इवॉल्व हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, उससे हीट निकलेगी रिएक्शन के दौरान। एंड डेल एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि हमें हीट देनी पड़ रही है उस रिएक्शन के लिए, तो वहां पे डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और वो क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ और नोट भी हमें चलता रहना है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। When a system is in equilibrium, ये बहुत important note है कि जब कोई भी system है वो equilibrium में है, तो equilibrium के अंदर ये ध्यान रखना, यहाँ से हमारी गलती हो जाती है, वहां पे entropy है वो maximum होता है, क्योंकि जितना disturbance होना वो हो लिया, maximum entropy क्या है, randomness है, वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे याद रखना जो change of entropy है वो zero है, del s zero हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर change नहीं हो रहा है, जो इनिशियल और फाइनल है वो बराबर हो चुका है, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम आ गया है, साम्य आ गया है, और जहां पे साम्य आ जाता है वहां पे चेंज तो जीरो हो जाता है। तो ये चीज याद रखना, व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज मैक्सिमम एंड द चेंज इन एंट्रोपी डेल एस इज जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंट्रोपी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज, आपको पता है कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कोई भी एकदम फटाफट जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस इंक्रीज टिल इट रीचेस मैक्सिमम एंड एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, यही बात ये कह रहा है कि एंट्रोपी जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो इंक्रीज होती रहती है ना, और अपने मैक्सिमम तक पहुंचती है, यानी कि जब वो इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी कि जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो मैक्सिमम एंट्रोपी तक पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पे अब चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि डेल एस हो गया, वो क्या हो गया, जीरो हो गया, अब कोई चेंज एंट्रोपी में नहीं हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर वो बात करें, हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे ना कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, तो ये देखिए, तो अगर इस इक्वेशन को देखें, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस है, तो इसको बेसिकली गिब्स हेलमेट इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर डेल जी है वो जीरो से ज्यादा है ना, जीरो से ज्यादा है मीन्स पॉजिटिव है, सीधी सी बात है, जीरो से ग्रेटर देन जीरो है ना डेल जी, तो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि एंड्रोगोनिक है, यानी कि हीट देनी पड़ेगी बेसिकली यहाँ पे। डेल जी अगर मोर देन जीरो है ना, ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि पॉजिटिव में है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डेल जी है वो लेस देन जीरो है,
यानी कि डेल जी जीरो से कम है, कहने का मतलब जीरो की जो डेल जी की वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है, तो रिएक्शन यहाँ पे है वो स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि एक्सर्गोनिक होगी, यानी कि यहाँ पे हीट जनरेट होगी, है ना। और अगर डेल जी जीरो है तो रिएक्शन किस पे है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से आपसे इम्पोर्टेंट बात है, और यहाँ से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट कि कौन सी कंडीशन में जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी में नहीं होगी। एक नोट है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। बेसिकली वैसे तो कह रहे हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है एंड मे ओनली बी रिवर्स, और अगर रिवर्स उसको करना है तो सम एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा ही हो सकता है, वरना नहीं होगा। ये नोट भी आपको संभाल के रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये बात आपको जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं चीजें ना, तो ये सारी बातें उसको समझ में आएगी जिसने कुछ बातें पहले पढ़ रखी है और वो ये रिवाइज कह रहा है। अब मैं नोट आपको बता रहा हूँ कि ये नोट ध्यान रखना, तो इट मीन्स इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपने पढ़ा हुआ है, तभी तो ये चीजें ध्यान में आएगी, नहीं तो नहीं ध्यान में आएगी कि इसके पीछे लॉजिक है। और यहाँ हम बात यहाँ कर नहीं सकते, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि हमारे पास समय की मर्यादा है और समय का थोड़ा उसी हिसाब से हम कर रहे हैं काम, 15 घंटे नहीं कर रहे हम, 1.5-2 घंटे की बात करेंगे तो उसी हिसाब से ही बात होगी ना। तो नोट, ये नोट भी, इस नोट को भी संभाल के रखना। ये जैसे कुछ बीमारी होती हैं, जैसे न्यूमो कोनियस आर ए ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज, है ना। जैसे निमोनिया वगैरह की बात करते हैं, वो नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा शब्दों पे देखना। ये है न्यूमो कोनियोसिस आर ए ग्रुप ऑफ लंग डिजीज कॉज्ड बाय लंग्स रिएक्शन इनहेलिंग सर्टेन डस्ट, है ना, द मेन कॉज ऑफ द, यानी कि जब हम इनहेल कर लेते हैं डस्ट को, सर्टेन निश्चित प्रकार की कुछ सर्टेन डस्ट होती है, तो ये बेसिकली लंग डिजीज है, है ना। जो फेफड़ों संबंधी बीमारियां होती है उनका, उनके जो लंग डिजीज का ग्रुप है, बेसिकली ग्रुप ऑफ लंग डिजीज उसको हमने बोल दिया न्यूमो कोनियोसिस, है ना। तो इसमें किस तरह से होते हैं, जैसे न्यूमो कोनियोसिस इज ए वर्क प्लेस एक्सपोजर, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हैव रेयरली बीन रिलेटेड टू दिस डिजीज, द प्राइमरी न्यूमो कोनियोसिस आर, एक है एबेस्टोसिस किसके द्वारा होती है, कॉज्ड बाय इनहेलिंग एबेस्टोसस फाइबर। अगर हमारे इनहेल हो गए एबेस्टो जो फाइबर इनहेल हो गए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी हमें, एबेस्टोसिस हो जाएगा। और सिलिकोसिस कॉज्ड बाय इनहेलिंग सिलिका डस्ट, अगर कोल वर्कर्स हैं, है ना, कोल माइनिंग में काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको डिजीज कौन सी होती है, कॉमनली रेफर्ड एज CWP और ब्लैक लंग बोल देते हैं, कॉज बाय इनहेलिंग कोल माइनिंग डस्ट। जो कोल माइन डस्ट होती है वो अगर अंदर चली जाती है तो उसको CWP और ब्लैक लंग की बात करते हैं, वो डिजीज हो जाती है। और अगर बात करें, एक है बिसिनोसिस की बात करें, तो ये भी एक डिजीज है, लंग्स की डिजीज है, इसको भी ध्यान रखना है। बिसिनोसिस इज ए डिजीज ऑफ द लंग्स, इट इज कॉज्ड बाय ब्रीदिंग इन कॉटन डस्ट, ये याद रखना, क्योंकि हमने बात की थी ना डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डस्ट है, सर्टेन डस्ट है, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिजीज होंगी। तो अगर हमारे इनहेल हो जाती है ब्रीदिंग इन कॉटन डस्ट और डस्ट फ्रॉम द अदर वेजिटेबल फाइबर सच एज फ्लैक्स, हेम्प और सिसल वाइल एट वर्क, तो ये बेसिकली कौन सी डिजीज हो जाती है, इससे हो जाती है बिसिनोसिस। तो ये भी एक फेफड़ों की या लंग्स की डिजीज है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे बात करें कैटालिस्ट के बारे में, तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, है ना, कैटालिस्ट का क्या है। और कैटालिस्ट के बारे में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैटालिस्ट, हिंदी में इसको उत्प्रेरक बोलते हैं। तो कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये याद रखना, कैटालिस्ट कोई ऐसा पदार्थ होता है जो अल्टर कर देता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, उसको अल्टर कर देता है, बट रिमेन केमिकली अनचेंज आफ्टरवर्ड्स, लेकिन ये जो खुद है वो केमिकली अनचेंज रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ए कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू ए रिएक्शन टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। कोई भी जो कैटालिस्ट है ना, कैटालिस्ट एक सब्सटेंस है बेसिकली, और वो हम रिएक्शन में क्यों ऐड करते हैं, अगर रिएक्शन के रेट को हमें इंक्रीज करना है तो करते हैं, लेकिन और ये ध्यान रखना कि ये खुद कंज्यूम नहीं होता इस प्रोसेस में। कैटालिस्ट टिपिकली स्पीड अप रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी,
अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कैटालिस्ट किस तरह से किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तो आपको ध्यान रखना है रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। उससे बेसिकली जब भी हमने किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज करेंगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और चेंजिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, इससे उसका जो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। ये कैटालिस्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम अब इक्विलिब्रियम की बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब अब कोई चेंज नहीं हो रहा है, बेसिकली साम्य में आ गई है रिएक्शन, है ना, दोनों साइड। तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, होमो मतलब एक समान, जैसे ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, देखो तो इस तरह का इक्विलिब्रियम है, तो होमोजेनियस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, होमोजेनियस यानी कि समांगी, समान है। हिट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम में देखिए क्या है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे गैस है, तो ये इक्विलिब्रियम है वो हिट्रोजेनियस है। और इसी तरह ये हिट्रोजेनियस का, ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं, बहुत बेसिक सी बात होती है लेकिन गलत हो जाता है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो ये भी हिट्रोजेनियस को क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच इज द होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, है ना। और एक ही जो आपको दिख रहा है, ये जो कुछ लाइनें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिव इक्विलिब्रियम, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कंसंट्रेशन चेंज, अगर ये आप ध्यान रखना, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किसी भी रिएक्शन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कंसंट्रेशन का अगर चेंज होता है, अगर रिएक्टेंट की बात करें, इधर प्रोडक्ट की बात करें, अगर वहां कोई कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम है वो इफेक्ट हो जाएगा। अगर हम प्रेशर का चेंज कर रहे हैं तो भी क्या है, इक्विलिब्रियम है वो इफेक्ट हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो जाएगा। और अगर हम कोई कैटालिस्ट को ऐड करते हैं तो भी क्या हो सकता है, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो इफेक्ट हो सकता है। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, नीचे कुछ ऑप्शंस दे देते हैं और उसमें आपको सिलेक्ट करवाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर हम आइडल गैस इक्वेशन के बारे में बात करें, तो आइडल गैस इक्वेशन क्या है, आपको पता है PV is equal to nRT है, ये आपको ध्यान रखना है। P यहाँ पे प्रेशर है, है ना, V यहाँ पे वॉल्यूम है, N यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ आइडल गैस है, और ये हमेशा मेजर होता है मोल्स में। और R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आपको पता है, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार इसकी यूनिट भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, कि जब आइडल गैस PV is equal to nRT है तो R का जो है वो यूनिट क्या होगी, सीधा यूनिट भी पूछ लेते हैं, तो ये यूनिट आपको ध्यान रखनी है। और T आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर है केल्विन में, ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब देखो, अब कुछ हम लॉज की बात करेंगे डायरेक्ट, ये लॉज हैं, ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में पूछ लेते हैं कि इस लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो इन लॉ को आपका पता होना चाहिए। कह रहा है कि अगर चार्ल्स लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ में क्या है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ये कह रहा है जैसे हम आइडल गैस की बात कर रहे हैं, PV is equal to nRT है, अगर ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम बात करें प्रेशर ये कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स है वो भी हमने जो लिया हुआ वो कांस्टेंट है, और आपको पता है R तो कांस्टेंट है ही, तो V प्रोपोर्शनल टू T होगा, यही तो ये कहना चाह रहा है कि V प्रोपोर्शनल टू T होगा, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो वॉल्यूम होगा जो गैस का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। बेसिकली अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं जहां पे प्रेशर है वो कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट है, तो ये चार्ल्स की बात है। अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन्होंने किसको कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स है इनको कांस्टेंट रखा है, और अगर ये कहते हैं कि ये दो चीज कांस्टेंट रहेगी तो जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, अगर
कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है वो कॉन्स्टेंट है, तो वही बात ये कह रहे हैं, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात कर रहे हैं और ये किस किस को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, देखिए इन्होंने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा है और मोल्स को कॉन्स्टेंट रखा है, और आर तो कॉन्स्टेंट होता ही है, तो पी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा, तो वी प्रपोर्शनल टू वन बाई पी हो गया ना। तो यही कह रहा है कि ये रिलेशन कब होगा, जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट होंगे, ये बॉयल्स लो कहता है, ये बॉयल्स लो का इक्वेशन है, ये ध्यान रखना। अगर हम एवोगैड्रो की लो की बात करें तो एवोगैड्रो क्या कह रहा है, एक कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, बेसिकली ये दोनों चीज को कांस्टेंट रख रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, और इसमें कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और आर तो पता है आपको कांस्टेंट होता ही है, तो वी प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट जो लॉ दिए गए हैं उन्होंने किस तरह से वॉल्यूम चेंज होता है गैस का टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ और एवोगैड्रो नंबर यानी कि मोल्स के साथ, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, और ये डायरेक्ट आपसे इक्वेशन या फिर ये लॉ के बारे में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एवोगैड्रो नंबर के बारे में आपको पता है, एक स्पेसिफिक नंबर है, द स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन 1 ग्राम मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर वेट ग्राम इन 6.02214076 इंटू 20^23 ए क्वांटिटी कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर और द एवोगैड्रो कांस्टेंट। आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, आपको पता ही है, सो दैट द 1 ग्राम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हैज ए मास ऑफ 32 ग्राम एंड कंटेन 6.02214076 इंटू 20^23 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ये है बेसिकली एवोगैड्रो नंबर का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। चलो कुछ मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं, चलो अब अगर हम बात करें डॉल्टन्स लॉ की बात करें, और मैं फिर आपको रिमाइंड करा देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको ठीक लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए, है ना, जिससे एक दूसरे को हेल्प मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले, तो आप अपनी ड्यूटी के हिसाब से ही काम कर सकते हैं, और मैक्सिमम अगर ये चीज़ें होती है तो मोटिवेशन तो मिलता ही है। अगर हम डॉल्टन्स लॉ की बात करें, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या स्टेटमेंट है इसका, स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि कोई भी हमने गैसेस का मिक्सचर लिया है उसमें जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट गैस। जैसे पी टोटल जो है, प्रेशर टोटल वो किसके है, मान लेते हैं गैस वन, गैस टू, गैस थ्री इस तरह से ले रखी है, तो इनका जो पार्शियल प्रेशर है उनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एक टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का एक हमने सेपरेट लिया हुआ था, इसका प्रेशर है 159 एग्जांपल, और नाइट्रोजन का प्रेशर है सेपरेटली 593 है। अगर हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हमने यहाँ पे मिला दिया तो जो पी टोटल आएगा, तो हम दोनों का इनका जोड़ देंगे, यानी कि 593 और 159 जो आएगा, है ना, 9 और 3 12 और 9 और 5 14 और 1 15 5 और 1 6 और 1 7 यानी कि 752 आ गया इस मिक्सर का। ये कहना चाहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर जितना होगा उनका जो टोटल जोड़ देंगे तो हमारे पास पी टोटल आ जाएगा, ये डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक। आगे हम बात करेंगे हेनरीज लॉ क्या बोलता है, हेनरीज के लॉ को भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्या स्टेटमेंट ठीक है हेनरीज लॉ के बारे में, तो क्या स्टेटमेंट कहता है, स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस, याद रखना क्या स्टेटमेंट देता है, स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस दैट डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबोव द लिक्विड। क्या है, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि अमाउंट, स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ गैस दैट डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the partial pressure of that gas above the liquid when the temperature is kept constant,
प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, यानी कि ये कह रहा है, यानी कि पी प्रोपोर्शनल टू सी, है ना, कि अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि जो कंसंट्रेशन है, बेसिकली अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है यहाँ पे जो डिजोल्ड गैस है उसका कंसंट्रेशन, कह रहा है अमाउंट ऑफ गैस दैट डिजोल्ड यानी कि कंसंट्रेशन इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड, यानी कि पार्शियल प्रेशर कितना है ये, ठीक है। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो जो ये कांस्टेंट है, दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन है, ये ध्यान रखना। पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द एटमोसफियर अबाउट द लिक्विड, सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ डिजोल्ड गैस, और के इज द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट ऑफ द गैस, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, हेनरी से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें राउल्ट्स लॉ के बारे में, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है ये भी देख लो, राउल्ट्स लॉ क्या स्टेटमेंट देते हैं, स्टेट्स दैट ए सॉल्वेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर, ये सॉल्वेंट की बात हो रही है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स दैट ए सॉल्वेंट्स पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इन ए सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर इज इक्वल और आइडेंटिकल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है कि सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन में वो किसके इक्वल होता है, वो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई का किससे करते हैं, इसके मोल फ्रैक्शन के, है ना। देखिए जैसे क्या है, जैसे ये पी है, यहाँ पे पी है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देखिए ये P क्या है, सॉल्यूशन का है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल है, ये सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और P नोट यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, इसके इक्वल हो गया, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इस तरह के ना छोटी छोटी वैल्यूज दे देते हैं और आपसे इक्वेशन मतलब पता हो तो हम वैल्यूज को रख के क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है सॉल्यूशन का, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो किसके इक्वल है, एक तो जो मोल फ्रैक्शन है यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और जो पी नोट यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का उसके इक्वल है, ये इक्वेशन याद रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी सॉल्यूशन का आ जाएगा, और ये नोट, इस नोट को भी नोट की तरह संभाल के रखना, ये नोट क्या कह रहा है, इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंटेंट दैट कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इन एडिशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है ना। और वेपर प्रेशर क्या है, नॉट इन ओपन कंटेनर, सीधी सी बात है पता ही है, वेपर प्रेशर ओनली इन इक्विलिब्रियम एंड क्लोज कंटेनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आपको इसी तरह से, मैं तो इतना समय के अभाव में ये डायरेक्ट बातें आपकी तरफ फेंक रहा हूं, जिसको पता है चीजें वो बहुत आराम से चीजों को समझ पा रहा होगा, और जिसने पहली बार पढ़ रहा है तो थोड़ा सा माथा पकड़ के भी बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डायरेक्ट आपको मिल रही है चीजें, तो ये रिविजन वीडियो है और रिवीजन में तो आपको पता ही है कि बातें डायरेक्ट रिवाइज करवाई जा रही है। सोल्युबिलिटी की बात करें, विलयता की बात करें, तो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट at a given temperature and pressure to form saturated solution, उसको ही तो उसकी solubility कहेंगे, विलयता कहेंगे, यानी कि कितने में उसका saturated solution बन जाता है, और कौन कौन से ऐसे factors हैं जो इसको affect करते हैं solubility को, nature of solvent and solute और temperature, ये basically effect करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर endothermic process है और अगर फिर हम temperature increase करते हैं, आपको पता है कोई process है ही endothermic, तो उसको टेम्परेचर की जरूरत है, अगर आप उसको जरूरत पूरी करोगे तो चीजें तो बढ़ेगी, सीधी बात है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट जनरेट कर रहा है वो, उसको हीट की जरूरत ही नहीं है लेकिन आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो आपको पता है सोल्युबिलिटी तो डिक्रीज होगी,
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप डायरेक्ट याद रखना है। बेसिकली ये तो इतना आपको पता ही होता होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। प्रेशर की बात करें, अगर प्रेशर और सोल्युबिलिटी के बीच की बात करें, तो प्रेशर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबोव लिक्विड सरफेस। सीधी सी बात है, पार्शियल प्रेशर जितना बढ़ेगा सोल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी। यही कह रहा है कि प्रेशर सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबोव लिक्विड सरफेस। नोट, इस नोट को भी संभालना कि वॉटर इज द सोलवेंट इन ऑल बॉडी फ्लूड्स, ठीक है। जितने भी बॉडी फ्लूड्स में है, वॉटर इज द सॉल्वेंट इन ऑल बॉडी फ्लूड्स। आपको पता ही है कि वॉटर एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। एंड द वॉटर कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एवरेज अबाउट 60% बाय वेट, ठीक है। ये तो आपको ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपको पता ही होगी, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ नोट और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट बोल रहे हो आप, मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड किया है, ऐसी कोई चीज इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि आपको पता है मुझे 1-1.5 घंटे में सारी बात वो बोलनी है जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट है, द टोटल डिजोल्व इनऑर्गेनिक कार्बन, जिसको हम शॉर्ट में DIC लिखते हैं, इन सी वॉटर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस बाइकार्बोनेट अनकार्बोनेट। अगर कोई ये पूछ ले कि सी वॉटर के अंदर DIC का क्या मतलब है, DIC मतलब डिजोल्व इनऑर्गेनिक कार्बन, तो इसका मतलब है तीनों चीजों का सम है, वो किस किस का, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास उस सी वॉटर का DIC आ जाएगा, यानी कि डिजोल्व इनऑर्गेनिक कार्बन। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी इनऑर्गेनिक ही है, कभी कार्बन को देख के ऑर्गेनिक मत कर देना। ऑर्गेनिक के लिए क्या जरूरी होता है आपको पता है, ऑर्गेनिक में बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DIC बिटवीन दीज स्पीसीज वेरी विद सी वॉटर pH। ये इंपॉर्टेंट नोट है, क्या कि जो DIC का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DIC बिटवीन दीज स्पीसीज वेरीज विद सी वॉटर pH। सी वॉटर है हमारे पास, उसका pH कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो DIC है उसका जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। DIC में हमारे पास तीनों चीजें है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा कम या कौन सा ज्यादा होगा, वो वेरी होगा सी वॉटर के pH के साथ, ठीक है। अगर टिपिकली अगर हम बात करें, आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ भी लेता है तो याद रखना, द सरफेस वॉटर ऑफ टूडेज ओशियन हैव pH ऑफ अराउंड 8.1। अगर हम बात अभी की करें तो सी वॉटर है उसका जो सरफेस वॉटर है उसका pH बात करें तो 8.1 है, मीनिंग दैट HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट इज द डोमिनेंट कार्बोनेट स्पीसीज रिप्रेजेंटिंग अबाउट 90% ऑफ DIC। ये याद रखना कि जो हमने DIC की बात करी है, डिजोल्ड इनऑर्गेनिक कार्बन की बात करी है, तो इसके अंदर अगर 90% की बात करें 8.1 के pH पे जो आज की कंडीशन है, उसमें बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव है, वो डोमिनेंट स्पीसीज है, लगभग 90% है। और कार्बोनेट है इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट अबेंडेंट स्पीसीज है, लगभग 10% है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेस है वो रिप्रेजेंट लेस देन 1% ऑफ DIC। ये जितने भी नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, इनको जैसे आप नोट को संभाल के रखते हो वैसे ही इनको संभाल के रखना, ठीक है। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली कौन सा डोमिनेटिंग है, कौन सा उसके बाद, तो बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा, फिर कार्बोनेट और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अब अगर हम बात करें, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे एल्केन्स किसको बोलते हैं, आपको पता ही है एक कॉमन एग्जांपल इसका पैराफिन है। एल्केन मतलब एक तरह से केमिकल फॉर्मूला इसका क्या हो गया, CnH2n+2, यानी कि जैसे CH4 है, ये क्या है ना, मेथेन है, एल्केन है, बेसिकली मेथेन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो और इसका फॉर्मूला याद रखना, एल्केन्स का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, CnH2n+2। और एल्कीन्स की बात करें, जो एथीन होती है, एथाइलीन जिसको बोलते हैं, बेसिकली एथाइलीन और एथीन, जिसमें बेसिकली हम बात करें डबल बॉन्ड की बात करते हैं, वो क्या है, एल्कीन्स होती हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो CnH2n है, ठीक है, याद रखना। जैसे आपको ये फॉर्मूला मैच करना तो आता होगा ना, जैसे मैंने CH4 लिखा, जैसे अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, देखिए कार्बन वन की जगह मैंने वन लगा दिया, एक कार्बन है तो H2
यहाँ पे इंटू में है ना, एन तो इंटू में है, तो दो के साथ एक का इंटू है, 2 + 2 = 4, यानी कि हाइड्रोजन 4 हो गया, अगर कार्बन 1 है तो CH4 हो गया, और यहाँ पे CnH2n है ओनली। और एल्काइन्स की बात करें तो इसमें एक कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन्स के बीच, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें जैसे इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n-2, ये एल्काइन्स का हो गया, तो आपको तीनों फॉर्मूले एल्केन्स का याद रखना है CnH2n+2, एल्कीन्स का याद रखना है CnH2n, और एल्काइन्स का याद रखना है CnH2n-2। द हाइड्रोफोबिक एसिटाइल, जो एसिटाइलिन्स है ना, एसिटाइलिन्स है, आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एल्काइन्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद रख लेना और इसके ये एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, ट्रांस फैट की बात करते हैं और सिस फैट की बात, सिस की बात करेंगे, सिस एंड ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। TFA यानी कि ट्रांस फैटी एसिड्स और ट्रांस फैट्स आर द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट्स। अगर आप उसको बेसिक सीधा पूछ ले तो सबसे हार्मफुल जो फैट होती है वो कौन सी होती है, जो ट्रांस फैट होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। ट्रांस फैट्स आर मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट्स विच कैन हैव मच मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर बॉडी देन एनी अदर डाइटरी कॉन्स्टिट्यूट। जिसमें भी हम डाइट में ले रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बहुत ही खतरनाक इफेक्ट रखता है कौन सा, TFA यानी कि ट्रांस जो फैटी एसिड है वो। अब ट्रांस और सिस का मतलब समझ रहे हो क्या, मैं आपको एक इससे देखिए, आप ये जो है ना, ये ऊपर वाला ये एग्जाम्पल सिस का है। इसमें देखो ये कार्बन यहाँ पे देखो आप, ये हाइड्रोजन इसी साइड है, तो ये सिस का है। ठीक है, अगर हम ट्रांस की बात करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन देखो, ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को देखो आप, तो ये पोजिशन है वो ट्रांस की है। तो जो ट्रांस फैटी एसिड है वो सबसे हानिकारक फैट है, ये आपको ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट में आपसे पूछ लेते हैं। और दीज फैट आर लार्जली प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बट ए स्मॉल अमाउंट ऑल्सो अकर नेचुरली। ये जो ट्रांस फैट है वे बेसिकली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, लेकिन कुछ मात्रा में ये नेचुरली भी मिलते हैं। अथस इन आवर डाइट दीज मे बी प्रेजेंट इन आर्टिफिशियल TFAs एंड इन नेचुरल TFAs। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट है आर फाउंड वेन हाइड्रोजन इज मेड टू रिएक्ट विद द ऑयल टू प्रोड्यूस फैट रिसेम्बलिंग प्योर घी और बटर की बात करते हो, तो देखिए कितना खतरनाक है। आर्टिफिशियल ट्रांसफर जो ट्रांस फैट है वो कब प्रोड्यूस फॉर्म किया जाता है, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है जैसे विद द ऑयल, और उससे हम प्रोड्यूस करते हैं जैसे प्योर घी और बटर की बात करते हैं, तो ये TFA है, ट्रांस फैट की बात होती है। और नोट, इस नोट को भी नोट की तरह से संभाल के रखना, इन अवर डाइट द मेजर सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांस फैट एसिड आर द पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, जिसको हम PHVO या वनस्पति या जैसे बोलते हैं ना नेचुरल। और अगर बात करें ट्रांस फैट है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, मीट के अंदर और डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, ये स्मॉल अमाउंट में होती है यहाँ तो, लेकिन अगर बात करें आर्टिफिशियली वो बहुत खतरनाक होती है। जैसे हम वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजिनेट करते हैं, वनस्पति घी वगैरह की बात करते हैं, तो वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, और हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें, इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। TFA पोज ए हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज देन सेचुरेटेड फैट्स, है ना, जो ट्रांस फैट एसिड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ट डिजीज की रिस्क रहती है जो सेचुरेटेड फैट है उसकी वजह से। ठीक है ना, जो वेल सेचुरेटेड फैट्स रेज टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो सेचुरेटेड फैट्स होती है वो हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हम कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं ना, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो रेज करता है। जो TFA इज नॉट ओनली रेज टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो जो जबकि जो ट्रांस फैट एसिड्स हैं वो ना कि टोटल जो नॉट रेज ओनली टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बट ऑल्सो रिड्यूस द गुड कोलेस्ट्रॉल। जो अब ये ध्यान रखना है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे अंदर गुड कोलेस्ट्रोल है HDL है, और उसको भी कम कर देता है जो ट्रांस फैट एसिड्स है। बेसिकली क्या है, जैसे हमने सेचुरेटेड फैट लिया, तो सेचुरेटेड फैट तो क्या करेगा, वो हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रोल लेवल है वो बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने TFA लिया है यानी कि ट्रांस फैट एसिड लिया है, वो टोटल तो कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसके साथ ही जो हमारे अंदर गुड कोलेस्ट्रोल है HDL है उसको भी क्या करेगा, वो कम कर देगा। तो कितना खतरनाक है, अच्छी चीज को कम कर रहा है और बुरी चीज को बढ़ा रहा है ना। विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट हार्ट डिजीज, जो HDL होता है गुड जो कोलेस्ट्रोल होता है वो हार्ट डिजीज से हमें बचाता है बेसिकली, उसको भी कम कर देता है ट्रांस फैट। तो इसलिए ट्रांस फैट है
वो सेचुरेटेड फैट से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ट्रांस फैट कंजम्पशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। ये आपको पता है हार्ट डिजीज बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओबेसिटी। अगर ट्रांस फैट ज्यादा है तो ये क्या रिस्क है, ओबेसिटी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिजीज होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, अलग तरह के कैंसर हो सकती है अगर इसको हमने यूज किया तो, है ना। और कैन ऑल्सो लीड टू कॉम्प्रोमाइज फैटल डेवलपमेंट कॉजिंग हार्म टू द ईयर टू बी बॉर्न बेबी के लिए भी। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, तो कम खाया करो जो भी ट्रांस फैट है उसको, ठीक है, और ना ही खाओ तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ केमिकल कंपोजिशन है अर्थ एटमोस्फेयर की, आपको पता है वो एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर एंड प्रेशर के एक प्रोफाइल हम बनाते हैं, और कुछ लेयर्स की हम बात करते हैं अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। और लेयर कौन कौन सी बात करते हैं, आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं, मेजोस्फेयर की बात करते हैं, थर्मोस्फेयर की बात करते हैं, फिर एक्सोस्फेयर की बात करते हैं। ये तो आपके लिए बहुत हलवल से बात होगी, है ना, कि कौन सी लेयर है। कई बार बेसिक सी बात पूछ लेते हैं, बहुत तुच्छ सी छुट्टी आपके लिए बात होगी, जैसे आपको ओजोन लेयर कौन सी को बोलते हैं ऐसा पूछ लेते हैं, आपको सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि नीचे से ऊपर का सीक्वेंस बताइए, ऊपर से नीचे का, यानी कि लेयर्स का क्रम पूछ लेते हैं, तो ये तो आप बता ही दोगे, बहुत बेसिक और बहुत ही ईजी चीज है आपके लिए तो, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, है ना, इन लेयर्स के बारे में। और टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता है आपको पता ही है, पहले घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है, ऐसे ही चलता है ना। तो ये जो डायग्राम है इसको आप याद रखना, है ना, ये तो पता ही है ना, पहले टेम्परेचर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है, इस तरह से ये चीजें चलती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सूट क्या चीज होती है, है ना, सूट वो पहनने वाला सूट नहीं है ये, ठीक है ना। सूट क्या है बेसिकली, सूट इज प्रोड्यूस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, चीफली कंपोज ऑफ कार्बन इन ऑटोमोबाइल्स एंड थर्मल पावर प्लांट्स। बेसिकली सूट है ये प्रोड्यूस कब होता है, ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल जलता है, यानी कि इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो चीफली कंपोज ऑफ कार्बन, है ना, इन ऑटोमोबाइल्स एंड थर्मल पावर प्लांट। तो इससे क्या बनता है, सूट बनता है। इन अर्बन एरिया इट अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द टोटल पार्टिकुलेटेड लॉड, यानी कि अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो इसका टोटल जो पार्टिकुलेटेड है उसका आधा ये है सूट, है ना। तो बहुत खतरनाक है सूट, आपको पता है द हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ सूट इज 1-3%। अगर सूट का बात करें तो हाइड्रोजन कंटेंट उसमें कितना है, 1-3% है, एंड ऑक्सीजन कंटेंट अबाउट 5-10% ड्यू टू पार्शियल सरफेस ऑक्सीडेशन। पार्शियल सरफेस ऑक्सीडेशन की वजह से 5-10% उसमें क्या है, ऑक्सीजन कंटेंट है। सूट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ फॉर टॉक्सिक ऑर्गेनिक ड्यू टू इट्स लार्ज सरफेस एरिया। आपको पता है सूट का जो सरफेस एरिया है वो काफी लार्ज है, तो उसके ऊपर चिपक के चले जाते हैं। तो सूट एक्ट एज ए कैरियर फॉर टॉक्सिक ऑर्गेनिक ड्यू टू इट्स लार्ज सरफेस एरिया। द साइज रेंज ऑफ दिस पार्टिकल इज इन बिटवीन 0.1-20 माइक्रोन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, सूट का साइज आपसे पूछ लेते हैं, तो सूट का साइज कितना है, 0.1-20 माइक्रोन तक है। और ये कैरियर है, क्यों है कैरियर है, लेके जाते हैं क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो काफी लार्ज होता है, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस को एक तरह से या टॉक्सिक एजेंट्स को लेके चलते हैं भाई, तो इसीलिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर पार्टिकुलेट मैटर की, कणीय पदार्थों की, तो जो साइज एंड शेप होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, आपको पता है। अगर साइज और शेप की बात करें तो दीज पार्टिकल इंक्लूड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, कौन कौन से हैं, दीज पार्टिकल इंक्लूड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, रेगुलर और इरेगुलर शेप क्रिस्टल और एग्रीगेट्स ऑफ ऑड शेप। Particulate are often classified by size. Example, the particle have diameter less than or and up to 10 micrometer are named as PM10 and PM2.5 reproduce diameter up to 2.5. आपको पता है, आपसे एक बार ये पूछ लिया कि PM2.5 का मतलब क्या है, तो आपको पता है 2.5 क्या साइज बता रहा है ना, क्या साइज है, डायमीटर कितना है बेसिकली। तो जिस पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 या लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर है वो PM2.5 है, लेस देन, याद रखना। अब अगर हम स्मोक की बात करें तो फोटोकेमिकल स्मोक और क्लासिकल स्मोक की हम बात करते हैं, तो और लंदन स्मोक के बारे में भी बात करेंगे बेसिकली, तो थोड़ा इनके बारे में देखना। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है बेसिकली, इट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड
क्या है ये, इट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल कंपाउंड इन द एटमोस्फियर। ये बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन है फोटोकेमिकल स्मोक किसकी, सनलाइट की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल कंपाउंड्स का। अगर क्लासिकल स्मोक की बात करें, इट इज द मेजर ऑफ स्मोक एंड फोग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये है क्लासिकल स्मोक, याद रखना इनके डिफरेंसेस, ठीक है। और ये फोटोकेमिकल स्मोक कैसे फॉर्म होते हैं, फॉर्म ड्यू टू स्मोक कमिंग आउट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। जब स्मोक यानी कि धुआं ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज से बाहर आता है तो ये बनता है। और बेसिकली क्लासिकल स्मोक हाई सल्फर कोल इज द प्राइमरी फ्यूल। अगर प्राइमरी फ्यूल के तौर पे हाई सल्फर कंटेंट कोल यूज हो रहा है तो क्लासिकल स्मोक, और इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलते हैं, किसको, फोटोकेमिकल स्मोक को। और बेसिकली जो क्लासिकल स्मोक है वो क्या है, एक रिड्यूसिंग स्मोक है। ये आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि कैसे ये क्लासिकल रिड्यूसिंग है, ठीक है। अगर इसकी फॉर्म की बात करें ये फोटोकेमिकल स्मोक की, तो ये ड्राई और सनी क्लाइमेट के अंदर है, बेसिकली सन की बात हो रही थी। और अगर हम क्लासिकल की बात करें, ये कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डिफरेंस याद रखना। और ये जो नोट है, इस नोट को भी नोट की तरह संभाल के रखना। जो NO2 है उसकी जनरल टेंडेंसी, अगर ओजोन लेयर की बात करते हैं और ओजोन डिप्लीशन को हम पढ़ते हैं, तो ये आपको एक रिएक्शन और ये डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट पूछा गया है, तो NO2 की जनरल टेंडेंसी होती है O3 को बनाना। जब NO2 रिएक्ट करता है तो O3 बनता है, लेकिन जो NO होता है वो डिस्ट्रॉय करता है O3 को, क्योंकि NO है वो O3 से रिएक्ट करके बेसिकली क्या बना लेता है, O2 प्लस O बनाता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, तो ओजोन का। तो याद रखना, जो NO2 है वो क्रिएट करता है O3, जबकि NO है वो डिस्ट्रॉय करता है O3 को, ये ध्यान रखना है। और एक हम सल्फर स्मोक की बात करें, तो इसको हम लंदन स्मोक भी बोलते हैं भाई। लंदन स्मोक इज अनदर नेम ऑफ सल्फरस हेज, यानी कि फर्स्ट फॉर्म्ड इन लंदन, लंदन में बना था। द यूजेज ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल नोटेबली कॉल विच वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लंदन थ्रू आउट द 19th सेंचुरी रिजल्ट इन सल्फर स्मोक। तो इसको ही सल्फर स्मोक को ही क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक बोलते हैं। तो इनका डिफरेंस है स्मोक से रिलेटेड, वो आपको याद रखना है कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, क्लासिकल स्मोक क्या है, और कब कौन सी सिचुएशन में होता है। और आपको पता है ये जो ओजोन लेयर की बात होती है डिप्लीशन की, तो जो क्लोरीन है ना, उसका एक जो सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन है एक्टिंग एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। और आपको एक बात पता है, लगभग वो 100,000 ओजोन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है अकेला। ये आपको रिएक्शन देख रही होगी, ठीक है, ये क्लोरीन है और ओजोन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बन गया क्लोरीन का, और ऑक्सीजन निकल गया, फिर ऑक्साइड यूज कर रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन बन गया। तो क्लोरीन तो वापस बन रहा है ना, कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। और बेसिकली वो ओजोन के एक अकेला, अगर हमारे पास क्लोरीन का आइटम है, तो लगभग 100,000 मोलिक्यूल ओजोन को वो तोड़ देगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिएक्टिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार आपसे हो सकता है कि थोड़ी वैल्यू देके भी पूछ ले, तो आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला मैं दोनों बता देता हूँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर द एयर कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर वेपर, यानी कि बेसिकली एक कोई आपके पास जो एयर है ना, इसमें कितना अभी कंटेंट है, यानी कि वाटर कंटेंट है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट है, और वो कितना मैक्सिमम होल्ड कर सकता है उस गिवन टेम्परेचर पे। अगर उसका रेशियो की बात करते हैं तो वो एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर द एयर कैन होल्ड ऑन गिवन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर इसका फॉर्मूले की बात करें, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर वेपर बटे सेचुरेशन वेपर प्रेशर, की मैक्सिमम कितना कर सकता है, इनटू 100। और याद रखना, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसमें है, परसेंटेज में आती है, ये भी आप ध्यान रखना। नोट, एयर इज सेड टू बी सेचुरेटेड एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है नोट, एयर इज सेड टू बी सेचुरेटेड एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेर इट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पॉसिबल एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर, कि इससे ज्यादा वो स्पेसिफिक टेम्परेचर में अमाउंट होल्ड नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे ये सेचुरेटेड है एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और
अब आपको पता है कुछ अनकन्फाइंड एक्वीफायर और कन्फाइंड एक्वीफायर की बात होती है। अनकन्फाइंड एक्वीफायर कौन से होते हैं? आर वेयर द रॉक इज डायरेक्टली ओपन, जैसे ऊपर वाला अनकन्फाइंड है और नीचे कन्फाइंड है, तो अनकन्फाइंड आर द वेयर द रॉक आर इज डायरेक्टली ओपन एट द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर इज डायरेक्टली रिचार्ज फॉर एग्जाम्पल बाई रेनफॉल और स्नो मेल्ट, है ना। बेसिकली जो ओपन रहता है, डायरेक्टली ओपन रहता है, वो अनकन्फाइंड एक्वीफायर होता है। अनकन्फाइंड एक्वीफायर वेयर द रॉक इज डायरेक्टली ओपन एट द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर इज डायरेक्टली रिचार्ज फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल और स्नो मेल्ट। और कन्फाइंड एक्वीफायर आर वेयर थिक डिपोजिट ओवरले ऑफ एक्वीफायर एंड कन्फाइंड इज फॉर्म द अर्थ सर्फेस और अदर रॉक। जैसे ये कन्फाइंड हो गया, यहाँ पे रॉक्स वगैरह है, डायरेक्टली ओपन नहीं है, तो वो कन्फाइंड एक्वीफायर हो गया। ये आपको डायग्राम से भी पता लग रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। डीओ और ये बात बेसिक सी बात है फ्रेंड्स, है ना, ये हम नेक्स्ट एक लेक्चर में कर लेंगे। डीओ और बीओडी थोड़ा सा तबियत का इश्यू है ना, सीओडी मैंने मैक्सिमम चीजें, ये कोगुलेशन फ्लकुलेशन ये सब आपको पता ही होता है, नहीं तो थोड़ा एक लेक्चर और कर लेंगे, है ना। वाटर डिसइंफेक्शन में क्या क्या चीजें यूज होती है, डिसइंफेक्टेड एज एचओसीएल की बात होती है, ओजोनेशन यानी कि ओजोन भी आपको पता है यूज किया जाता है एज ए डिसइंफेक्शन, है ना ये। और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर की भी बात होती है, जिसमें हम फॉर्मूला बनाते हैं ना, एच पॉजिटिव एच नेगेटिव की बात करें, 14 की बात करते हैं, या न्यूमेरिकल भी आता है आपसे, तो ये बेसिक बात है। सोइल के बारे में भी आपको पता है, कुछ ओरिजिन्स की बात करते हैं, और ए ओ ओरिजिन जो ऑर्गेनिक मैटर है, ए जो टॉप सोइल है, बी सब सोइल है, सी जो इनिशियल स्टेज ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ रॉक्स है, और डी ओरिजिन है जो पेरेंटल मटेरियल होता है। और एक यहाँ भी याद रखना, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, जो यूएसडीए का सोइल सेपरेशन की बात होती है, साइज लिमिट की सोइल का, सैंड बोलते हैं किसका डायमीटर जिसका 2 से 0.05 होता है, सिल्ट किसको बोलते हैं 0.05 से 0.002 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू यूएसडीए सैंड का साइज पूछा है 2.0 से 0.05 मिलीमीटर, और सिल्ट है 0.05 से 0.002, और क्ले का साइज है लेस देन 0.002। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की है, यूएसडीए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यहाँ पे सब डिवीजन भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और ये कुछ आपको बता दूं मैं, इंस्ट्रूमेंट है, इसके एक वीडियो अलग से बना लेंगे, XRF की बात, और XRD ठीक है, और NMR SAM की बात होती है, और अप्लीकेशन ऑफ AAS एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल की बात करेंगे, फ्लेम फोटोमेट्री की, और ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम मैंने चीजें जो इम्पोर्टेंट थी वो बता दिया, इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट हम सेपरेट वीडियो में एक और कर लेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in, और ये मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, जिसमें इसी एग्जाम के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 10 की 10 यूनिट रिकॉर्डेड बैक मिल जाएगा 1999 के अंदर, 1999 रुपए के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हमें रिकॉर्डेड सेशन मिल जाए और इसमें हम रिवीजन कर लें, तो दोनों पेपर है 2450 2450 रुपए का। और कोई स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन के लिए ज्वाइन करना चाहता है दिसंबर के लिए, तो भी हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे जाके ज्वाइन कर सकता है पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स, और अगर आपको बहुत अच्छी चीजें लगी हैं और आपको लगा है कि लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव है, तो आप मैक्सिमम इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपकी आपके ऊपर है फ्रेंड्स, ठीक है, जितना आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अपने चित्त को शांत रखें, आप लोग हमेशा खुश रहें। जो टॉपिक्स मैंने आपको नहीं कराए, कुछ कुछ जो स्लाइड्स में थे जो मैंने आपको दिखाया, इसको हम नेक्स्ट में कर लेंगे। अब मैं आपका देखूंगा कि इस वीडियो का आपका रिस्पांस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मैं चलता रहूंगा। अगर अच्छा रिस्पांस है तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को लेके आने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन मिलता है, मीन्स आप पसंद कर रहे हैं चीज़ों को तो लेके आऊंगा। और जो चीज़ें आपको ठीक लगी है उनको थोड़ा, जो लगे कि आपको बार बार करना है उसको थोड़ा आप नोट भी करते रहें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर।